शिक्षक बहाली का रोस्टर जिले में जारी हो गया है। जो लोग इसकी पात्रता रखते हैं वे अपना आवेदन जमा करने के लिए प्रखंड कार्यालय, शिक्षा विभाग के कार्यालय एवं पंचायत इकाइयों पर दौड़ लगा रहे हैं। आज मंगलवार को राजपुर प्रखंड कार्यालय के समक्ष दोपहर के वक्त काफ़ी तादाद में आवेदक अभ्यर्थी एकत्र थे। उनकी संख्या देख करके जब जिज्ञासा हुई तो पूछा गया, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने बताया, हम सभी लोग नियोजन के लिए यहाँ आए हैं। शिक्षक बहाली के लिए राजपुर प्रखंड में रिक्तियाँ जारी की गई हैं। हम लोग सुबह से ही यहाँ प्रखंड कार्यालय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दौड़ लगा रहे हैं। इस क्रम में इन अभ्यर्थियों की गर्मा गर्म बहस प्रखंड कार्यालय के कर्मियों से भी हुई। सचिव आप ही आना है और पंचायत स्तर पर ये है, पंचायत स्तर पर ही है, मेन यही है। पंचायत अधिकारी रूप से बोलने में भी डर रहे हैं, पता नहीं क्या मतलब। तो सर ये कम से कम बताना चाहिए कि हम लोग जानकारी नहीं है, अब डायरेक्ट सर से तो बात हो नहीं सकती है। इन आवेदकों की माने तो राजपुर ही नहीं अन्य प्रखंड और पंचायतों का भी यही हाल है, वहाँ कोई इनके फार्म लेने वाला नहीं है। हमने इनसे बात की, सुने इन्होंने क्या कहा। जी आप यहाँ पे आए हैं, बताइए किस उद्देश्य से आए थे आप बीआरसी में? आप लोग बहुत लोग आए हुए हैं सर, हम लोग मैं रामगढ़ कैमूर भभुआ से आया हुआ हूँ, बिहार या राजपुर ब्लॉक में प्राथमिक शिक्षक के लिए अप्लाई करने के लिए आए थे। जैसा कि न्यूज़पेपर में भी आया था कि सोमवार से सभी से जितनी भी नियोजन इकाइयां हैं वहां पे प्राथमिक शिक्षा के लिए मतलब फॉर्म लेने लगेंगे, लेकिन यहां पे आने के बाद अधिकारी बता रहे हैं कि अभी हमें ऑफिशियली कोई लेटर ही नहीं आया। रिक्ति तो आ गई है लेकिन ऑफिशियली लेटर नहीं आया है, और सभी अभी तक लगभग में एक से डेढ़ घंटे पहले हम यहाँ पे आए हैं और लगभग में 60 से 70 लोग पूछ पूछ कर चले जा रहे हैं, और फिर अधिकारियों से जब मिला जा रहा है तो वो टाल मटोल कर रहे हैं कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पे चले जाइए, किसी का कुछ भी आता पता नहीं। और कई पंचायत भी गए थे, पंचायत में ग्राम सेवक से मिले और वहाँ पे जैसे कि अभी डेहरी पंचायत सचिव से उनसे फोन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सूचना ही हम लोग को नहीं है। देखिए जब तक सूचना नहीं आती तब तक हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। अभी आप बीआरसी में बात किए? सर बीआरसी में गए थे तो वो कहें कि नहीं हम लोग के यहाँ कुछ नहीं होगा, जाइए बीडीओ साहब से आप मिल लीजिए। अच्छा, बीडीओ साहब है ही नहीं, वो आज उनसे एक अधिकारी जो वार रूम में बैठे हुए हैं उनसे जब बात किए तो वो कहें कि उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, कब आते हैं कब नहीं आते हैं, कब आएंगे, किस दिन आएंगे किस दिन नहीं आएंगे, ये कोई भी निश्चित नहीं है। तो कहें सर एक बार बात कर लीजिए, तो वो सभी कह रहे हैं कि नहीं हम बात नहीं करेंगे, वो कहीं व्यस्त होंगे इसके वजह से बात नहीं तमाम तरह के पर्व हैं उसमें बंद हो जाएगी। अरे मतलब ये जो हम लोग को 9 सितंबर तक, ये 9 नवंबर तक जो डेट बढ़ाया गया है उसमें भी काफ़ी छुट्टियां हैं, और क्योंकि यदि ग्राम, क्योंकि एक से ग्राम सेवक के अंदर में कई लोग मतलब कई पंचायत का मतलब प्रभार है, तो वो क्या करते हैं शिक्षकों को स्कूल पे मतलब डिप्यूट कर दिया जाता है वहाँ पे फॉर्म लेने के लिए, लेकिन जाने के वक्त क्योंकि जब छुट्टी हो जाएगी तो शिक्षक वहाँ से, क्योंकि हम लोग पिछला अनुभव जो कैमूर का रहा है, ये आपका रोहतास का रहा है, वहाँ पे जाने के बाद शिक्षक मिलते ही नहीं है। पूछने पे, किसी से पता करने पे पता चलता है कि अरे विद्यालय की छुट्टी हो गई है, शिक्षक भी चले गए हैं अपने आवास पे ले रहे हैं, फोन लगाने पे स्विच ऑफ बताता है या नॉट रीचेबल बताता है। इसी तरह मतलब सरकार किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। आप कहाँ से आए हैं? सर हम रामगढ़ से आए हैं जो कैमूर जिला में पड़ता है। जी धन्यवाद। जाहिर सी बात है जब आवेदकों का फॉर्म जमा नहीं होगा तो उन्हें गुस्सा तो आएगा। बेरोजगारी की इस दौर में दौड़ लगा रहे युवा कभी इस पंचायत कभी उस पंचायत आते और जाते हैं, वे सोचते हैं कि आवेदन हर जगह जमा किया जाए, पता नहीं कहाँ की मेधा सूची में हमारा नाम अंकित हो पाएगा। प्रथम दिन यह जानकारी मिली कि सिमरी प्रखंड के एक पंचायत में आवेदन जमा हुए हैं। आप देख रहे हैं बक्सर खबर, हमारी खबरों के प्रायोजक हैं विश्वसनीय आभूषणों के विक्रेता आरके ज्वेलर्स। धन्यवाद।